रुक रुक मारूंगा नहीं रुक। अरे अरे पर्स लेके कहाँ भाग रहा है? तुझे मार खाने के पैसे दिए, भागने के नहीं। मार तो खा के जा। मारता तो पोपन भाई की ये हालत हुई कैसे? कुछ गुंडों ने मिलकर मेरे पर्स चुराने की कोशिश की थी। पोपन लाल ने अपनी जान पे खेलकर मेरे पर्स को बचाया। ओए अपना पोपन तो हीरो हो गया। Yes, he is a hero for me. Thank you, Kerry. Thank you for everything. Dosti mein, no thank you, no sorry. तुमने भी मेरे लिए अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी रक्षा की। नो नो कैरी, ये तो मेरा फर्ज था। तो मैं भी अभी तुम्हारी सेवा करके अपना फर्ज ही निभा रही हूँ। ओके, तो मैं चलूँ? कैरी, थोड़ी देर और रुक जाओ ना, बैठ के बातें करते हैं। सुबह को तुम्हारे लिए सूप लेकर आऊंगी, तभी बातें करेंगे। ओके, एज यू विश कैरी। ओके पोपटलाल, यू टेक केयर। जेठा भरा, सत श्री अकाल, जय जनेंद्र। किथे दुकान? नहीं, गैरेज जा रहा हूँ। तो तुझे गैरेज कब खेल लिया? अरे भाई, रोज दुकान ही जाऊंगा ना, तू भी क्या सवाल पूछता है भाई? अरे हाँ जेठा भरा, जेठा इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ फिर चलो चलो। तुम क्या गैरेज? हाँ गैरेज जाएंगे। Very tasty. Thank you. Oh, Popper, teri tabiyat to theek hai ab? Sab sala natak kar raha hai. Sala? Oh, Jetha Pra, ye tumhara sala kaise hoga? Agar in dono ka rishta nib gaya, to iske sale to tum banoge. छोटे, मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। ओ जेठा प्रा, गुस्सा थूक दो, देखो ना जरा। Is there something I can do? आसू? कैसे कैरी अपने पोपट लाल की सेवा कर रही है? ये तो ऐसे ही हो गया जैसे सोनी ने महिवाल की थी, रोमियो ने जूलियट की और रीन ने रांझा की। एक मिनट, तुम भी एक गैंग को जानते हो? कौन है, कौन ये लोग? और जेठा प्रा, ये सारे वर्ल्ड फेमस प्रेमी है। अब मुझे पूरा यकीन है इनकी जोड़ी भी उनके जैसे एक दूजे के लिए ही बनी है। बेटा प्रा, अरे पोपट को कैरी पसंद है, कैरी को पोपट पसंद है, तो तुझे क्या बनता है? ठीक है मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, जैसे कैरी का नसीब और क्या। हाँ लेकिन पक्का मत समझना, क्या कैरी मेरी बहन है बराबर, लेकिन फॉरेनर है, इनके विचार क्या बार बार बदलते रहते हैं, तो शायद शादी हो ना हो। जय भाभी। अरे 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 हाँ, ये तो गरबा है। जय भाभी, आज मैं बहुत 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 खुश हूँ, मेरे इंडिया आना सफल हो गया, मुझे अपनी लाइफ की सबसे कीमती गिफ्ट मिल गई है। अरे केरी बेट, अरे ये तो अंजल भाई का करिश्मा है।
जिसके नसीब में जो चीज जिधर जाके लिखी होती है ना, उसको वो चीज उधर जाकर ही मिलती है। अब आपके नसीब में लंदन के बदले भारत में ही सब कुछ मिलना लिखा था, तो इधर ही सब कुछ मिलेगा ना। दया बाबी, आपको पता है मुझे क्या मिला है? हाँ तो आपके चेहरे की खुशी और लाली बता रही है कि आपको आपका प्यार मिल गया है। बराबर की नहीं। Oh my God! दया बाबी, आपको कैसे पता चला? अरे केरी बहन, मैं देसी और आप विदेशी हुए तो क्या हुआ? लेकिन आखिर में तो हम दोनों लेडीज ही है ना। बराबर दया बाबी, हम पली अलग अलग देश से हैं, लेकिन प्यार तो सभी जगह एक जैसे ही होते हैं ना। हाँ, अब केरी बहन दिल से कहिए, आपको ये रिश्ता मंजूर है ना? बस बस केरी बहन, आपके सरमाने से मुझे जवाब मिल गया है। आज शाम को ही आपका गोलधारा का प्रोग्राम रख देते हैं। गोलधारा? वो क्या होता है दया बाबी? अरे केरी बहन, वो हमारे गुजराती लोगों का रीति रिवाज है। आप शाम को आएंगे ना, तब सब पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे आप कहे दया बाबी। बाय बाय। दया बाबी, आपने हमें इतने जल्दी में क्यों बुला लिया? बताती हूँ, मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। क्या? क्या? देखिए, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, नटू काका ही यार। नटू काका, आप टापू के पापा को जल्दी से जल्दी फोन दो। हाँ, एक मिनट जी। हाँ। सेठ जी, सेठ जी, सेठानी जी का फोन है, जल्दी से जल्दी बात कीजिए। क्यों? ऐसा वो बोल रही हैं। हाँ बोल दे, क्या हुआ? टापू के पापा, सोसाइटी में सब लोगों को मेरा आइडिया भयंकर पसंद आया है। कौन सा आइडिया? मैंने सोसाइटी की सभी लेडीज महिलाओं को आइडिया दिया कि क्यों ना केरी बहन और पोपट भाई को एक कर दे। कैसा लगा मेरा आइडिया? ठीक है, लेकिन अरे आगे सुनिए तो सही। केरी बहन आपकी बहन है बराबर, तो हम लोग लड़की वाले बनेंगे और सोसाइटी के बाकी लोग लड़के वाले बनेंगे, और फिर हम हमारी केरी बहन के लिए पोपट भाई का हाथ मांगेंगे, फिर 100 रुपया देकर हम गोल धड़ा चखेंगे, और शादी के दिन आप केरी बहन का कन्यादान करेंगे। कैसा लगा मेरा आइडिया? अरे उत्साही, या गोल धड़ा करने से पहले वो केरी को तो पूछ ले। ओहो, केरी बहन से भी सब बात हो गई है, वो भी इस रिश्ते के लिए राजी है। अच्छा मैं फोन रखती हूँ। गोल धड़ा। कितनी स्वीट लगी इतनी, और ये कलर कितना सुंदर लग रहा है तुम पे। बिल्कुल इंडियन ब्राइड जैसी लग रही हो तुम कैरी। यू आर लुकिंग लाइक अ प्रिंसेस। अरे दया बहन, उसको काला टीका लगा दो। सही बात है मेहता साहब। फिर गोकुल धाम सोसाइटी में कितने सालों बाद शादी की शहनाई बजेगी, और पोपटलाल की जिंदगी में भी देरी से ही सही, लेकिन शादी की शहनाई तो बज रही है। ए भाई, तुझे क्या हुआ? ऐसा मुंह लटका के क्यों बैठा है? बाबूजी, मेरी समझ में अभी भी ये नहीं आ रहा है कि केरी ये रिश्ते के लिए राजी कैसे होगी। अरे मैं पूछ रहा था कि भाई ये भिड़े, अय्यर, सोढ़ी, ये लोग कहाँ है, नजर नहीं आ रहे, इन्हें बुलाया नहीं है क्या? भाई दया ने उन सबको पोपटलाल की तरफ से रखा है। जेठा बड़ा गजब हो गया। क्या हो गया छोटे? अरे हम लोग पोपटलाल को 2 घंटे से ढूंढ रहे हैं। घर पे उसके ताला लगा हुआ है, फोन कर रहे हैं तो स्विच ऑफ आ रहा है। जेठा बड़ा, पोपटलाल गायब हो गया। अरे वाह, अरे क्या,
क्या है टप्पू के पापा? दया, पापा टूट गया। मतलब पोपट कहीं गायब हो गया? अरे पर क्यों, कहां, कैसे गायब हो गए? अरे आज पोपट की जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन है और आज के दिन वो गायब हो गया। एक नंबर का डिब्बा है डिब्बा। जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या हुआ दया भाभी? क्या हुआ? आप सब इतने चुप और सीरियस क्यों हो गए हैं? केरी बेन, एक बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ? क्या सुनिए, वो बात यह है कि पोपट कुमार गायब हो गए। क्या पीपी गायब हो गया? उनके बिना मेरा गोड़दाना कैसा होगा? नहीं होगा। चीचा भाई क्या बोल रहे हो? नहीं कैसे होगा, जरूर होगा। कैरी, हमारा गोड़दाना जरूर होगा और आज ही होगा। आ गया डिब्बा। अरे चाचा जी आ तो गया, लेकिन पोपटलाल तुम इतनी देर से कहाँ थे यार? सारे लोग इतने परेशान हो रहे हैं। और इतने शुभ अवसर पे क्या कपड़े पहने तुमने? आज के दिन भी छाता नहीं छोड़ा हाथ से। तो फिर नीलेश कौन है? मुझे क्या मालूम, ये नीलेश है कैरी का मंगेतर। अरे कैरी, ये नीलेश के बारे में तुमने कभी बताया नहीं हमको। मैं बताता हूँ, हमारी मुलाकात इंटरनेट पर हुई थी और फिर चैटिंग करते करते कब एक दूसरे से प्यार हो गया ये पता ही नहीं चला। मेरे मॉम डैड दादी ये पुराने ख्याल के हैं और कैरी विदेशी है, वेस्टर्न संस्कृति से है, इसलिए उन्होंने हमारा रिश्ता मंजूर नहीं किया। लेकिन जब मुझे पता चला कि कैरी आप लोगों के साथ गोकुलधाम सोसाइटी में रहने आई है, तब मैंने कैरी से कहा कि तुम मुझे अपने वीडियोस और फोटोज ईमेल कर दो। कैरी के वीडियोस और फोटोज देखकर मेरा पूरा परिवार हैरान हो गया कि एक वेस्टर्न संस्कृति की लड़की हमारे इंडियन कल्चर में इतनी अच्छी तरह से ढल सकती। तब उन्हें हमारे प्यार पर यकीन हुआ और उन्होंने हमारा रिश्ता कबूल कर लिया। कैरी, आई लव यू, विल यू मैरी मी? Yes, I will. I love you too. केरी बेन, अपना ख्याल रखना और हमसे कोई भूल चुक हो गई हो तो माफ कर देना। दया भाभी आप क्या कह रहे हैं? रोइए मत। मैं सबको बहुत मिस करूंगी। कैरी, हम सब भी यहाँ तुम्हें बहुत मिस करेंगे, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं सबसे मिलने वापस जरूर आऊंगी।
नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू कैरी, तुम तो बहुत याद आओगी लेकिन तुम्हारी जुबान से बोली हुई हिंदी हमें बहुत याद आएगी। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच पीपी, तुमने मेरी बहुत बहुत हेल्प की। अरे भाई, दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी ना। अब तुम भी अच्छी सी लड़की ढूंढ कर शादी कर लो। निलेश, कैरी को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ, इसका एकदम अच्छे से ख्याल रखना वरना तुम जानते हो मेरा नाम पत्रकार पोपटलाल है, दुनिया हिला दूंगा। आई प्रोमिस यू पोपटलाल, मैं कैरी को बहुत 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 खुश रखूंगा। और निलेश देखो, ये पोपटलाल ने तुम्हारा और कैरी का जमा दिया तो अभी तुम्हारा भी फर्ज बनता है उसके लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ के उसका भी कहीं जमा दो। है जरूर। ओके देन, बाय। और सबको एडवांस में हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली तुमको भी। हैप्पी दिवाली कैरी जी। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। बाय कैरी, एंड विश यू अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू पीपी। जीवती रहे। अरे वो बोलते हैं ना क्या, फ्रेंडशिप में नो थैंक यू नो सॉरी है। और तुम क्या मेरी बहन हो, अरे तुम्हारा तो हक बनता है। आना कभी भी है, तुम्हारा भाई का घर इधर दरवाजा खुला ही है, जब भी मर्जी आ जाना है। बाय 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 जाना नीलेश भाई, संभाल के हैं। बाय बाय। और गाड़ी जरा कैरी भूलना मत मुझे। सी विंग। बाय पीपी। बाय कैरी। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। पोपट भाई, ये क्या, हम तो समझ रहे थे कि देवा भी मुझे भी आप लोगों की तरह। गलतफहमी हो गई थी। लेकिन तुम्हें नीलेश के बारे में कब पता चला? जब मैंने कैरी को नीलेश के साथ फोन पर बात करते सुना ना, तब। That's my phone. Can I go? Yeah, sure. Just go. I'll be right back. Hello? Nilesh, tum kahan ho? Main kab se tumhare phone ka intezaar kar rahi thi. What? Tumhare family hamare rishte ke liye maan gayi? Really, Nilesh? Yani hamari shaadi ho sakti hai? Oh, Nilesh, I love you so much. अच्छा तुम जनगढ़ से मुंबई कब आ रहे हो? ओके नीलेश, आई लव यू माई जान, कम सून, बाय। और दया भाभी, जब कैरी ने मुझे बताया कि आपने घोड़दाना का नक्की किया है तो मैंने कैरी से कहा कि तुम तैयारी करो, मैं नीलेश को लेकर आता हूँ। वाह पोपट भाई, जितनी बड़ी आपकी हेट है उससे भी बड़ा आपका दिल निकला, आपने तो कमाल कर दिया। नहीं बोलना पड़ेगा, कमाल तो किया पोपटलाल।
लेकिन वैसे देखा जाए तो उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था कमाल करने के अलावा, है? फिर भी नहीं, कमाल तो किया। पोपट, तू ठीक तो है ना? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ सोड़ी, मुझे कुछ नहीं हुआ है। गोकुलधाम वासियों, ये मत समझना कि प्यार में दिल टूटने से मैं देवदास बन जाऊंगा। अरे भाई, प्यार का दूसरा नाम सैक्रिफाइस है, समर्पण है, त्याग है। अरे भाई, लैला मजनू, रोमियो जूलियट, सिरी फरहाद, कली मनार कली, वासु सपना के बाद पोपट की प्रेम कहानी को लोग याद रखेंगे। अरे बाप रे, गोकुलधाम सोसाइटी के ही नहीं पूरे देश के इतिहास में पोपट की प्रेम कहानी के बारे में लिखा जाएगा। आने वाली नस्लें तो पोपट के प्रेम की कस्में खाएंगी। अरे हाँ भाई, समझ गए कि नहीं? हाँ। तो बोला सब लोग समझ गए, वरना चालू ही रहेगा। जेठा भाई, मैं ये कह रहा था कि आपकी अगली फॉरेन टूर कब और कहाँ है ये बता दीजिए। मतलब तेरा मतलब क्या है? मुझे नहीं पता था कि हमारे दुबले पतले शरीर वाले दोस्त पोपटलाल के शरीर में इतना बड़ा दिल होगा। कितना बड़ा दिल? त्याग। वैसे त्याग ही प्यार का दूसरा नाम है। प्यार अगर हमें पाना सिखाता है तो उससे कहीं ज्यादा खोना सिखाता है। तभी तो मुझे शायर अंजुम रहबर की दो पंक्तियां याद आती है कि मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा, दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा। लेकिन क्या करे पोपटलाल, उन्होंने त्याग करके एक बहुत बड़े दिल की मिसाल दी है और आंसू उनकी आंखों से बह निकले। शायद यही सिखाता है हमारा देश, हमारी संस्कृति, कि हम लोगों के काम आए भले हमारी आंखों से आंसू निकले, लेकिन आंसुओं से जिंदगी नहीं चलती, जिंदगी आगे बढ़ती रहती और हम वैसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। त्योहार हमारी दहलीज पे है, हमारे दरवाजे पे दीपावली दस्तक दे रही है, अवली के पटाखे फूटने वाले हैं, दीप जलने वाले हैं और आप और हम मिल के ठाके लगाएंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। देखते रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे यूट्यूब चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।